हरित क्रांति के अग्रदूत थे एवं कृषि विभाग की अंतिम कड़ी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो प्रदेश के कृषि विकास की मुख्य रीढ़ है, परंतु कई वर्षों से संवर्ग की न्यायोचित मांग शासन स्तर पर लंबित है। इन मांगों को मनवाने हेतु 28/5/2018 से कलेक्टर परिसर नीमच पर धरना दिए हुए है। इनकी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती यह धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। जी बताएं क्यों हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं हम? क्योंकि 3 वर्ष पहले न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, उच्च न्यायालय ने, कि इनको सर्वेयर के समान वेतनमान दिया जाए। उसके लिए हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ हमारी सप्लीमेंट्री नोट सूत्र मांगी है पूरी है, लेकिन मुख्य मांग हमारी सर्वेयर के समान वेतनमान वाली है। और विगत 2017 में अप्रैल में हमने आंदोलन किया था, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने उसका बिल्कुल लिखित आश्वासन दिया था, हमें 3 महीने में पूरा निराकरण करने का दिया था। रामपाल जी साथ में थे, लोक निर्माण मंत्री, और वो वादे से मुकर रहे हैं और अभी तक इसके संबंध में कोई स्थायी आदेश जारी नहीं किया। कौन सा संगठन है आपका और कितना सदस्य आप? मध्यप्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ है हमारा, और हम नीमच जिले में 28 लोग हैं आज की तारीख। आपके हड़ताल प्रदर्शन पर आने पर क्या क्या प्रभावित हो रहा है? हमारे हड़ताल पर जाने से जो किसानों संबंधित जो मामले हैं, आदान व्यवस्था, खाद बीज दवा, ये सब प्रभावित होगी, मिट्टी परीक्षण प्रभावित होगा, और जो विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो समस्त प्रभावित होगी। आपका नाम और पदनाम? नैमिचंद पाटीदार, जिलाध्यक्ष ग्रामीण कृषि।